बिहार में सरकारी नौकरियों का बौछार है क्योंकि चाचा भतीजा का सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ लव कुमार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हम अभी आए हैं एक लाइब्रेरी में, अभी जा रहे हैं एक लाइब्रेरी में, जो कि वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले सैकड़ों छात्र आपको मिलेंगे और उनकी कहानी, उनके जीवन के बारे में, किस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र, किस तरीके से उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, इन सभी के बारे में उनसे चर्चा होगी। हम अभी मौजूद हैं सासाराम के गौलक्ष्मी पर, जो कि भी मार्ग के सामने एक डिवाइन लाइब्रेरी है, यहीं पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सैकड़ों छात्र लाइब्रेरी में शांतिपूर्ण ढंग से तैयारी करते नजर आएंगे। हम आइए उनसे कुछ बातें करेंगे कि किस तरीके की कठिनाइयां उनका आती है उनके जीवन में तैयारी करते हुए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम लोग मौजूद हैं अभी सासाराम के एक लाइब्रेरी में, जो भीमाट के सामने डिवाइन लाइब्रेरी है। यहाँ पर हम इसलिए मौजूद है, आप सोच रहे होंगे कि एक पत्रकार का लाइब्रेरी में क्या काम, पत्रकारिता करने में लाइब्रेरी का क्या काम, लेकिन हम आज मौजूद हैं इसलिए यहाँ पर क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले भारत में लाखों छात्र हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, सैकड़ों छात्र यहाँ बैठकर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। इनके माता पिता घर में आस लगाए बैठे हैं कि कल मेरा बेटा डीएसपी बनकर, कल मेरा बेटा एसपी बनकर, कल मेरी बेटी एसपी बनकर लौटेगी। यहाँ पर आप जितने भी छात्र छात्राएं देखेंगे, वो कोई भी करोड़पति बाप का बेटा, करोड़पति बाप की बेटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्र तैयारी करते हैं वो सभी मध्यम वर्ग के छात्र होंगे। तो आइए कुछ छात्रों से हम बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे हम किस तरीके की कठिनाई। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? नीरज गिरी नाम है, कोचस से आए हुए हैं। किस चीज का तैयारी करते हैं? अभी तो जनरल तैयारी कर रहे हैं। जनरल में मतलब क्या, अभी किस चीज पर आपका फोकस है? जैसा कि इनका एसएससी जीडी पर फोकस है। और आइए और छात्रों से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं? हम ससुराल में। किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। आपको मतलब इस बार कैसा अटेम्प्ट होगा आपका? इस बार सेकंड अटेम्प्ट होगा। पहला अटेम्प्ट में क्या वो चूक रह गया था जिससे आपका नहीं हुआ? मेरिट में छूटे थे। जैसा कि इनका कहना था कि ये मतलब अपना फिजिकल भी इनका कंप्लीट हो गया मेहनत करके, लेकिन अंत में इनका मेरिट में छट गया। आइए और छात्र हैं, कहाँ से आए हैं आप? सासाराम से। किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। घर में और यहाँ में तैयारी करने में क्या फर्क है? मतलब एक घर में आप बैठ कर तैयारी करते हैं और लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों में आपको क्या फर्क लगता है? यहाँ देखकर मोटिवेट होते हैं और घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है, इसीलिए लाइब्रेरी आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बताइए, आप बताइए कहाँ से हैं? सासाराम। किस चीज का तैयारी करते हैं? एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं। किस चीज का तैयारी करते हैं? अभी एसएससी के जो सिलेबस, मतलब कि वो सिलेबस उसको कवर कर रहे हैं, जो आगे आने वाला सीजीएल, क्योंकि मेरा अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो आगे मतलब एक साल में कम्प्लीट होगा, उसके बाद में अभी सीजीएल का एग्जाम देंगे। अभी फिलहाल में मैं जीडी पर फोकस है, अभी मतलब एसएससी का वो भी एसएससी कंडक्ट कर रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि इनके पापा इनके तैयारी में बहुत सहयोग करते हैं, कहते हैं कि बाबू तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनका यही साफ तौर पे कहना है। कहाँ से आए हैं? सासाराम से। किस चीज का अभी तैयारी कर? आईएससी का तैयारी करते हैं। किस बार? 2024 में एग्जाम है। हाँ। कैसा तैयारी चल रहा है? और जो छात्र, एक महीना बाद आप लोग का एग्जाम है, और जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हूं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिएगा? तो अच्छी से मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं आएगा, अभी पढ़ेंगे, इसके बाद में पता चलता है कि पछतावा क्या होता है, इसलिए अभी मेहनत कर ले, बाद में अच्छे से अपना कोई भी आगे का तैयारी कर पाएंगे हम लोग। जैसा कि इनका कहना है कि 2024 में ये एग्जाम आदमी एक बार देता है, ऐसे तो दो बार तीन बार आप दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन इनका कहना है कि पहला बार में आप निकालिए एग्जाम। तो आइए हम और कुछ छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चलिए ये बात नहीं करना चाहते हैं, शायद अभी पढ़ाई में बिजी हैं। आप बताइए कहाँ से आए? मोरसरा से। क्या नाम हुआ आपका? नेहा। किस चीज का आप अभी तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल का। सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया? ये भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मतलब आपको घर में कौन मोटिवेट कर रहा है कि आप तैयारी करिए? क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लड़कियों का 18-20 ईयर में शादी आजकल हो जा रहा है, तो आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, मम्मी पापा या और मेरे भैया? इनका जैसा कहना है कि इनके मम्मी पापा ने, इनके भैया मोटिवेट करते हैं।
हमारा नाम विजय कुमार है, हमारा घर उत्तर प्रदेश चंदौली जिला लक्ष्मणपुर में पड़ता है। हम EPPCS ARO का तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश से आप आकर सासाराम में तैयारी करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ साधन नहीं है? कुछ शिक्षा व्यवस्था हर चीज़ वहाँ पे है, लेकिन हमारा गांव थोड़ा यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, इसलिए थोड़ा रिलेशन की वजह से यहाँ पे रहते हैं। हमारे मतलब के बगल के लोग, उनके साथ हम आया। सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह से यहाँ पर वैकेंसी आती है, परीक्षा पेपर भी लीक हो जाता है, लेकिन उस बात को छोड़िए, आपको सरकार से क्या उम्मीद है एक हमारे दर्शकों को बताइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी ऑटोमेटिक इतना बढ़ा दे रहा है, इसको 5 साल में छोटा छोटा, मतलब कि जैसे इस समय वैकेंसी आया 23,000, उसको मतलब बाय वन मतलब कि पर ईयर मतलब 23 थोड़ा 1200 जिस तरह दरोगा का है, उसी तरह मतलब 1250 कुछ दरोगा का है, उसी तरह हर वैकेंसी निकालता ना, तो जो बेरोजगारी है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ सब विद्यार्थी को कि आप जो आपको विचार आता है, निगेटिविटी आता है, उस पर मत ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने मम्मी पापा की आंखों में देखिए कि मेरे मम्मी पापा क्या कहना चाहते हैं। एक दिन बूढ़े हो जाएंगे तो उनका सहारा आप ही बनेंगे, इसलिए कहना चाहता हूँ। मैं आपको रुकूंगा, जैसा कि इनका कहना है कि अपने मम्मी पापा की आंखों में देखिए। हाँ, उन सभी तमाम परीक्षात्री का तैयारी करने वाले छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लाइब्रेरी में आ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, तो एक बार उस तस्वीर को आप देखिए, आपके पापा को तस्वीर को देखिए। दिन भर मजदूरी करके आते हैं, 300 रुपया कमाते हैं, तब आपको पैसा देते हैं किताब के लिए, लाइब्रेरी के लिए, और आप अगर यहाँ पर आकर नहीं पढ़ते हैं, एक बार आप उस तस्वीर को देखिएगा, आपको मोटिवेशन हो जाएगा। बोलिए अपने बात को आप कंटिन्यू। यस, और रही बात आप लोग की पढ़ाई मन लगता है, तो एक बार उन बच्चों को देखिए जो आपसे आगे हैं और क्या कर रहे हैं। अब एक बार आप लाइफ में सक्सेस हो गए ना, तो आप क्या एक लड़की के लड़की इसमें जानते हैं लड़कियों बहुत डेडिकेशन को मतलब कि डाइवर्ट करिए माइंड सबको, तो आप मतलब उन पर मत ध्यान दीजिए, पहले अपना फोकस करिए, अपने करियर बनाइए। क्या आप छोटी से छोटी भी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, कोई भी इन्हें माने नहीं रखता आपको। आप उन बाप का सहारा बनिए जो आप बाप एक जन्म दिया। अच्छा, इस लाइब्रेरी के जो संचालक है, इनका व्यवहार कैसा है आप तमाम विद्यार्थियों से? इनका हमको बहुत व्यवहार अच्छा लगता है, कहीं कि हम यहाँ आते हैं तो कभी भी जाइए, इनको मतलब नहीं है, बस इनका एक अच्छा लगता है, जो वहाँ पे डायरी रखा है वो हमको अच्छा लगता है। मतलब कहीं रिकॉर्ड, यहाँ रिकॉर्ड रखता है, वहाँ पे टेबल बजाएंगे डेस्कटॉप पे, तो वहाँ रिकॉर्ड है कि आप कब निकल रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये हमको अन्य लाइब्रेरियों से अच्छा। आपका कहाँ से आए हैं, किस चीज़ का तैयारी करते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ? मेरा नाम प्रीतम कुमार है, हम कोचर से आए हैं। थोड़ा आवाज में बोलिए। नाम प्रीतम कुमार, कोचर से आए। इस लाइब्रेरी के, डिवाइन लाइब्रेरी के संचालक मौजूद है, आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, और अपने लाइब्रेरी के बारे में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, इसके बारे में हमारे को कुछ बताइए। जी, मेरा नाम दीपक गिरी है, और डिवाइन लाइब्रेरी हमारी लाइब्रेरी का नाम है। ये लाइब्रेरी सासाराम में गुरुचनी में मेन रोड पे ही है, अपोजिट वी मार्ट के, और नीचे देखिएगा तब लोकेशन के टाइप पर नियर शिव मंदिर है। यहाँ पर पाएंगे, आइएगा, आपको ऊपर ही लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं हमारी तरफ से, किस तरफ को लगा है हमने सब छात्राओं को दिया है, और यहाँ पे कम फीस में बढ़िया पढ़ाई लोग कर पाते हैं सब सुविधाओं के साथ में। अच्छा, रोज कितने लगभग स्टूडेंट आपके लाइब्रेरी में तैयारी करके अपने घर जाते हैं? रोज हमारे लाइब्रेरी में लगभग स्टूडेंट 150 से 200 स्टूडेंट यहाँ पर डे यहाँ पे आते हैं, 24 घंटा यहाँ पे स्टूडेंट आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपके संज्ञान में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका मतलब नौकरी हुआ है अच्छे लेवल पर आपके लाइब्रेरी में पढ़कर? इधर जी हुआ है, कुछ हमारे दोस्त ही हैं, वो हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, दोस्त ही बन चुके हैं, वो लोग का जॉब हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज 9 से बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने विचारों को रखें और अपनी कठिनाइयाँ के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताएं, और सरकार तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि किस तरीके से इनके जीवन में कठिनाई आती है। फिलहाल अपने कैमरा पर्सन सोनू तिवारी के साथ मैं लव कुमार, सासाराम, बिहार।